करनाल के इंद्री की अनाज मंडी के बाहर आज सोमवार को जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्थिति ने एक बार फिर से मंडी की धान खरीद को लेकर की गई व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि करनाल की इंद्री अनाज मंडी में रविवार को एक दिन की खरीद बंद रही। आज सोमवार को आलम यह रहा कि सैकड़ों की संख्या में धान को लेकर किसान मंडी में पहुंच गए, जिसके चलते मंडी के बाहर सड़क पर फिर से जाम जैसी स्थिति हो गई और मंडी व्यवस्थाओं की पोल भी खुली। बता दें कि कई कई घंटे लाइन में लगने के बाद किसान अपनी धान को लेकर अनाज मंडी के अंदर दाखिल हुए, जिससे अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। वहीं लिफ्टिंग का काम बिल्कुल बंद रहा, जिसकी वजह से प्रशासन के मंडी में किए जाने वाले दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आई, जिससे ऐसा लग रहा है कि किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि किसानों को कई कई घंटे में लाइन में लगने के बाद अपनी धान की फसल को आड़ती की दुकान में लाने में लग जाते हैं। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। नाम पवन कुमार, गांवगढ़ सदान। आज क्या समस्या है किसानों को? समस्या बहुत आ रही जी। पहले तो मशीन के पीछे फिरना पड़ा जी, मशीन नहीं मिल के देते। अब जो यहाँ लेके आ जा, फिर गेट पास, फिर मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। जो मंडी में अपनी ट्रालियाँ, देखो क्या हालत हो रही है मंडी की। सुबह से खड़े हैं 4 बजे से, अभी तक हमारे ट्राली लाइन में ही खड़े हैं, गेट के पास ही खड़े हैं। कोई सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बुरा हाल हो गया सरकार का, ना इतना बुरा हाल कर दिया कि हम ना मरने में छोड़े ना जीने में छोड़े। इतनी बुरी व्यवस्था सरकार ने कर दी हमारी कि हम इतना तो बुरा हाल गंदे में भी नहीं आया, जितना बुरा हाल हमारा जीरे में कर दिया सरकार ने। देखो लाइन में खड़े हैं किसान, सुबह से खड़े, कोई 2 बजे से खड़ा, कोई 3 बजे से खड़ा, कोई 5 बजे से खड़ा, और अभी भी कोई समाधान नहीं है कि हम जीरे अपनी शाम तक उतार पाएंगे। लगता है कि शाम का रात यहीं कटेगी हमारी, तो ये लगता है। हमें तो ट्रैक्टर पे बैठे हैं, पता नहीं कब नंबर आएगा, कब हमारी जीरी उतरेगी। इतना बुरा हाल सरकार ने हमारा कर दिया। इतनी रद्दी सरकार, इतनी ऐसी सरकार हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी अपनी। तो अधिकारी कहते हैं लिफ्टिंग हो रही है, लिफ्टिंग के लिए कुछ नहीं। लिफ्टिंग कहाँ से होगी सर? लिफ्टिंग तो तब होगी, लिफ्टिंग होती तो सर ये उतर जाती सारी जीरी। अभी इतनी बुरा हाल हो रहा तो लिफ्टिंग कहाँ से होगी? लिफ्टिंग तो हो ही नहीं रही सर कहीं भी। अगर लिफ्टिंग होती तो ये जीरी इतने बुरा हाल सर क्यों होता किसानों का? जो ये इतनी बुरी स्थिति किसानों की हो रही है आज, ये तो ऐसी स्थिति रही तो किसान क्या रहेगा, मतलब कि जो आगे फसल कर पाएगा जीरी? नहीं सर, को ये तो बुरा हाल हो गया, जीरी कहाँ करेगा सर? जीरी भी नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं सर क्या होगा। तो लोग तो रोड पे आ गए, किसान तो सड़क पे आ गया। अब इतनी बुरी स्थिति सरकार ने कर दी हमारी, किसानों का तो बुरा हाल कर दिया किसानों के साथ। तो सरकार ने ऐसी सरकार जिंदगी में पहली बार देखी, ऐसी सरकार किसी ने नहीं, इतनी बुरी हालत होगी जितनी बीजेपी सरकार ने हमारी कर दी। तो क्या समस्या आ रही है अब आपको? सुबह से तो ये जाम वाली। तो सुबह किस टाइम आए आप? मैं 5 बजे गेट का। तो अब तक आपकी जीरी में नहीं। तो गेट पास के लिए भी कुछ समस्या है फिर? बारह मनी ले जाएगा अपनी। क्या नाम है? राम कुमार। वीर सिंह। कहाँ से आए? संगा खड़े था आज हम। क्या समस्या है आपको? समस्या के सारी तरह थोड़ा पुल पकड़े रहे, 1000 रुपये देगा दी जो दिन उठ था खड़े हम। फिर उ कि 6 बजे को खड़े लाइन में, ये बड़ी उरा एक घंटा दौर ला गई है ना। तो किस तरह की समस्या आ रही है लोगों को? समस्या ने कहा मोदी कड़ी बेच लिया अपने, एक तो पहली तो बात ही पुड़पन लिगड़ देंगे किसी ने भी में खट्टर का। मैं अपने हरियाणा में आने नहीं देता यूपी का माल। जोन सी बांसपति जीरी हैं, ब्रीक हैं, उन सारे आने लग रही मोटी ने रोका है। कह दो हमारे ब्रीक भी रोको, ब्रीक भी ना आने दो। ये फिर मोटी क्यों मंगावा, मोटी ने क्यों रोका है? यूपी में संगा छेड़ा गंगो के पास है, सहारनपुर जिला हमारा। अच्छा, कौन सी जीरी लेकर है? मोटी ब्रीक है ये? तो ब्रीक लेकर है हमें, मोटी ने रोका उठा। अच्छा, मोटी 1000 रुपये मांगे थे, ट्राली वापिस भेजी हमने। ब्रीक काट दी, ले जो ब्रीक नाके पे रोक दे, नाके पे रोक के पुलिस वाले अड़के आए हो रहे। पैसे मांगते हैं? पैसे रात रात इसे लिए 50,000 रुपये और तो 100 ट्राली थी सारी, 500-500 ले काट दी। किसी पर 1000 ले ला, किसी पर 500 ले ला। किसान सड़कों पे उतरने के लिए तैयार? सड़क पे कहते जमीन कड़ी बिन रहे, सड़क पे कहे किंगी बिन रहे हैं। तो भाई सुविधा कर दिया, ये पहला हरियाणा में आ जाकर दी, उन्होंने भी दी बंद करने लग रहे सारी जाना। यमुनानगर, मैं 2 बजे चला था घर से, 2 बजे का अभी तक यही लैंड में खड़ा। क्या नंबर दुकान पे आ रहे हो? 59 नंबर दुकान पे चल रहा हूँ, वहाँ पुणे पे। तो क्या समस्या आ रही है वो आपको? समस्या तो भाई ट्राली अंदर नहीं पड़ रही, समस्या तो आ रही
अब आप देख लो 2 बजे घर से चले, अब तक यहीं खड़े, अब तक बाहर अड़ती के बाहर तक नहीं पहुँचे। क्यों माल उठ नहीं रहा, मंडी में भीड़ ज़्यादा है रही, माल पहला उठ नहीं रहा, ट्रालियाँ गनी रही। गेट पास सही मिल रहे? गेट पास में तो आधा दिन लग जाए भाई, गेट पास में भी कभी उनकी वो चला दे कंप्यूटर से, कभी बंद करके बैठ जाओ, मैं भी अपनी मर्जी चले रहे। शाम तक आदमी 2 बजे आने का, 2 बजे खाली होगा जाएगा घर भी, जो जाएगा भूखा प्यासा बताओ कहाँ रहा, क्या करेगा, जिम्मेदार तो इतना ख़त्म कर दिया सरकार ने बिल्कुल। सुरेश कुमार, सुरेश नरवाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.